आसाम का विकास अगर होगा ना तो मैडम किरण चौधरी कर सका, और किसी बस की बात कौन सा कितना जोर लगाया। वो कैबिनेट मिनिस्टर थी तो यहाँ काम हुआ, 10 साल एमएलए रही, चवन्नी लगाई हो तो बताओ। कांग्रेस के बीजेपी के नेता है, ये कभी दिखते ही नहीं है। अभी तो जो सामने कांग्रेस की लहर है। किरण चौधरी ने इतना विकास कर दिया, ये विकास कहीं नहीं हुआ। तो ये लग रहा है बीजेपी आनी सी बहुत बढ़िया। और बेटी का सारा का वो थोड़ी है, फिर किसी कार्यकर्ता की जदाज तक मैडम ने करी ही कौन। वो ही पानी पिलाएगी देश को जो हरियाणा में जो अंतुशा मलके मोर की जब इसकी बात नहीं थी ही दमदार। हाँ दमदार। तो शाम से 2-5 हजार से रुद्धि भी निकल सका या निरुद्ध भी निकल सका। अब तो टफ मुकाबला फंसा हुआ है बाण और भाई के बीच में। तो शाम की जनता तो जी अब की बार भाई अनिल चौधरी के साथ है। 10 साल के अंदर कोई खोरा खोल लग गया तो शाम के ग्राउंड पे बीजेपी मजबूत है। ग्राउंड पे नहीं, लोगों के दिलों में है जी। किसान रगड़े, पहलवान रगड़े और जवान अग्निवीर बना दिए। अग्निवीर की गारंटी सैनी साहब दे हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। आज हमारी ये चुनाव यात्रा तो शाम विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। तो शाम जिसे चौधरी बंसी लाल के परिवार का अभेद किला कहा जाता है, लेकिन इस बार इस चुनाव में इस परिवार के ही दिग्गज आमने सामने हैं। चौधरी बंसी लाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी और उनकी पोती श्रुति चौधरी दोनों ही चुनावी मैदान में आमने सामने की टक्कर में हैं। श्रुति चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर और अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आखिर होगा क्या, यहां से क्या कुछ तो शाम की जनता फैसला करेगी, इसको लेकर तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए आप तो शाम की राजनीति को समझ लीजिए, उसके बाद इस कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे। बांगड़ बेल्ट का विधानसभा क्षेत्र तो शाम का नाम सुनते ही जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है कई बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल की विरासत और उनकी दो पीढ़ियों के कर्म क्षेत्र रहे तो शाम में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, जिसकी वजह है बंसीलाल परिवार के दो सदस्यों का आमने सामने होना। चौधरी बंसीलाल के दोनों बेटों के बच्चे चुनावी रण में एक दूसरे के मुकाबले में हैं। एक तरफ सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को टिकट थमाकर इस सीट पर मुकाबला कांटे का कांग्रेस ने कर दिया है। इस बार दोनों भाई बहनों की कड़ी परीक्षा होने जा रही है। दोनों ही नेताओं का ये पहला विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये चुनाव इनके सियासी भविष्य की दिशा भी तय करेगा। उधर बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने इस महामुकाबले को कुछ हद तक त्रिकोणीय बना दिया है। अरावली पहाड़ी की तलहटी में बसा तो शाम राजनीति का गढ़ रहा है। इस सीट पर जाट वोटरों की संख्या करीब 25% है। यूँ तो इस क्षेत्र की आबादी ज्यादातर खेती पर निर्भर करती है, साथ ही ये क्षेत्र खनन के लिए भी काफी मशहूर है। बावजूद इसके तो शाम को हरियाणा के विकसित क्षेत्रों की गिनती में अब तक नहीं लाया गया। यहाँ के वोटर्स को पारंपरिक वोटर ही माना जाता है, लेकिन इस बार एक ही परिवार के दो उम्मीदवारों के आमने सामने होने से ये पारंपरिक वोट बटने की भी आशंका जताई जा रही है। तो चलिए तो शाम पहुंची हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा के जरिए जानते हैं यहाँ की जनता का चुनावी मूड। तो शाम में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप चौधरी सुरेंद्र सिंह की ये प्रतिमा देख रहे हैं। यहीं से ही आज इस कार्यक्रम का आगाज होगा और बंसीलाल की विरासत को वाकई में संभालने का हकदार कौन है, वाकई में आगे लेके जाने का असली वारिस कौन है, इसकी जंग छिड़ी हुई है। तो शाम में दो भाई बहन आपस में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत किसको मिल जाएगी, इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और तो शाम के लोग आज हमें इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे कि आखिर तो शाम की जनता क्या कुछ फैसला करने जा रही है, क्या कुछ चुनावी मूड है और क्या कुछ मुद्दे हैं। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम से और बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको लोगों के फीडबैक। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, किसका पलड़ा भारी है? अभी तो जी तो सामने कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है, बदलाव चाहती है जनता यहाँ की, तो निश्चित ही बदलाव निश्चित है। कौन सा बदलाव, किस चीज को लेके बदलाव चाहती है? बीजेपी से जी जनता परेशान ही है। किरण चौधरी बीजेपी में है अब तो? तो अब तो बेसिकली जो पहले तो कांग्रेस में ही थी और कांग्रेस में रहते हुए काम भी हुए, यहाँ पे जेल भी बनी, स्टेडियम भी बने, सारे काम हुए, बस स्टैंड बने। लेकिन अब बीजेपी से जनता परेशान है, कोई कुछ नहीं, व्यापारी वर्ग बिल्कुल परेशान है। तो जनता बदलाव नुकसान होगा किरण चौधरी को बीजेपी में जाने का और उनकी बेटी को चुनाव लड़ने का बीजेपी के टिकट पर? नुकसान ही है जी। हाँ बिल्कुल, कोई फायदा नहीं देख रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो शाम की जनता बदलाव चाहती है, निश्चित हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार आ रही है। पक्का पक्का पलड़ा मतलब अनिरुद्ध का भारी? हाँ, यहाँ से अनिरुद्ध जी।
बिल्कुल पलड़ा भारी है। इनके हिसाब से कह रहे हैं अनिरुद्ध का पलड़ा लग रहा है इनको भारी है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है। तो शाम से किसको जिताएंगे? हम तो ऋषि परमार को जिताएंगे। ऋषि परमार को। अच्छा, क्यों? बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट में दम नहीं लग रहा है? ऋषि परमार के। क्यों, ऐसा क्या लग रहा है, क्या खास है आपको लग रहा है परमार साहब? आते हैं जी, अब की बार ऋषि परमार को देख लेते हैं। अच्छा, होता क्या है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बदलाव। हाँ जी, जो ऋषि टक्कर ऋषि का भरी फिलहाल गड़ी वोट ऋषि का था। अच्छा, हाँ ऋषि परमार के। क्या लग रहा था वो आपको? ऋषि परमार के। ऋषि परमार क्यों? बस जी, अपना बढ़िया लड़का, हमारे गांव आता जाता है, ऐसे कहानी कूणी में भी आता है, ये संभाला को नहीं पाठशाला आगे। अच्छा, तो संभाला नहीं, किरण चौधरी ने कुछ नहीं किया? नहीं, हमें किसी को नहीं दिया। और आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? जी शशिरंजन परमार जी का पलड़ा भारी है जी। अच्छा, क्यों? एक्चुअली जब वो MLA नहीं थे तो उन्होंने तो सामने इतना काम किया है, जो जिसकी भी कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की है। तो MLA नहीं थे तो मतलब काम कैसे कराया, अपनी जेब से पैसे खर्च के? हाँ जी, उन्होंने जैसे बीजेपी से मतलब फंड लेके या अपनी पॉकेट से लगा के जिसकी जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर की है। और जो भी ये कांग्रेस के बीजेपी के नेता है ये कभी दिखते ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन जीतने के बाद श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी नहीं? नो, दोनों को नकार रहे हैं। हाँ जी, शशिरंजन परमार बेस्ट रहेंगे। क्या लग रहा है विरासत बंसीलाल की संभालने का असल हकदार कौन? तो शाम से 2-5 हजार से श्रुति भी निकल सके, अनिरुद्ध भी निकल सके। अच्छा। इसका समीकरण पत्रकार भी नहीं निकल सकते। अच्छा, कोई नहीं निकाल सकता? कोई नहीं निकल, भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब फंसी हुई है सीट? बिल्कुल फंसी हुई है, 2-5 और 10 के बीच का मुकाबला है। अच्छा, तो दो आपस में भाई बहन चुनाव के मैदान में है, पलड़ा आप कह रहे हैं बिल्कुल बराबर चल रहा है? बिल्कुल बराबर का चल रहा है। क्या है, क्यों बराबर चल रहा है? बीजेपी भी हावी है, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी हावी है? नहीं, पलड़ा दोनों बढ़ता है, जो करे अनिरुद्ध के पास है जाट वोट बैंक और श्रुति के पास जाट वोट बैंक कम है। कम है क्यों? क्योंकि थोड़ी किसान आंदोलन के कारण भाजपा से लोगों की नाराजगी। तो उसका फायदा अनिरुद्ध को मिलेगा? उसका फायदा अनिरुद्ध को इसीलिए मिल रहा है, तो वही है कि फाइट में चुनाव आ गया है, 2-5 या 10 हजार से कोई भी चुनाव जीत सकता है। तो आपने कहा कि अनिरुद्ध को किसान आंदोलन का फायदा होगा, ठीक है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिससे कि श्रुति चौधरी को फायदा होगा, अनिरुद्ध को नुकसान होगा? श्रुति चौधरी को फायदा नुकसान तो भाजपा जाने का है, भाजपा में जाने का भी नुकसान है, भाजपा जाने का नुकसान। लोग नाराज हैं? लोग इसीलिए नाराज हैं, ना श्रुति तो को हराने वाला था ही नहीं, ये आपको पता है। बाकी ये है कि अगर ये है ना 5 या 10 हजार के बीच में चुनाव। नेक टू नेक फाइट ये कह रहे हैं, बीजेपी में नहीं जाती किरण चौधरी, श्रुति चौधरी तो हराने वाला कोई था ही नहीं। आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? तो शाम से अभी तक तो मैं सबसे पहले तो बाबा मुंगी पा की नगरी में आपका हरियाणा न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब तो टफ मुकाबला फंसा हुआ है भाण और भाई के बीच में, और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैडम ने काम करवाए हैं, सारे काम कराए हैं, पर मैडम ने बीजेपी में जा करके वो जो और टिकटार्थी थे उनका तो मन थोड़ा वो तो होता ही है, तो इनका टफ मुकाबला है। कह रहे कि बीजेपी ने जो सम्मान किरण चौधरी को दिया वो कांग्रेस में रह के उन्हें कभी मिला नहीं, तो शाम के लोग इस बात से खुश हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मान, सांसद बना दे किरण चौधरी को तो संतोष। ये 1.25 साल के लिए, फिर क्या करेंगे? 1.25 साल पे 6 अगर मनाएंगे ना फिर मानेंगे सम्मान का, तो 1.25 साल 1.5 साल का है तो सम्मान तो बाद में देंगे, फिर बात करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे तो शाम का विकास हो, चाहे कोई सी भी सरकार। कौन करेगा, क्या लग रहा है आपको? अभी तो अनुज चौधरी भाई साहब तो पहली दफा तो शाम से हैं, पर हमको लग रहा है कि काम करेंगे, कर जाएंगे, जीत जाएंगे, भाई आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, एक तो पहली बात तो ये है भाई साहब कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने देखा है। मैं चौधरी धर्मवीर का कट्टर समर्थक हूँ, पर अनुज चौधरी कभी झूठ नहीं बोलता, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। हैं कि 8 तारीख को क्या होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अनिरुद्ध का पलड़ा भारी है। कुछ और लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। राम राम जी, क्या लग रहा है तो शाम में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? हम अनिरुद्ध जीतेगा। हाँ जी, श्रुति चौधरी में क्या परेशानी? श्रुति चौधरी की माँ को 24 साल दे दिया, 4 बार विधायक बना दिए, अपना जाके लड़ो, माँ बेटी का सारा का वो थोड़ी है, फिर किसी कार्यकर्ता की इज्जत आज तक मैडम ने करी को नहीं, तो उसकी बेटी को क्यों दे? कार्यकर्ता की सुनी नहीं बात, हमारी तो सुनी को नहीं कदे, हमने भी तो 20 साल साथ दिया है। अच्छा, तो आप कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे? हाँ, कांग्रेस पार्टी के थे। अच्छा, तो आप अनिरुद्ध के लिए काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो बीजेपी में जब किरण चौधरी चले गए आपका मन नहीं किया कि आप भी जाएं? वह तड़का और किसी तरह चली जाएगी, हम जेल गिर जाएंगे। आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं?
हम कांग्रेस के सतीश भाई नहीं है, हम पहले मैडम के थे, लेकिन मैडम जब छोड़ के चली गई है, जब हमारी सुनी नहीं तो अनिरुद्ध भाई आए, तो अनिरुद्ध के साथ हम। अच्छा, तो मतलब मजबूत है अनिरुद्ध मुकाबले में? बिल्कुल, 50,000 वोटों से, 50,000 से जीतेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये कह रहे हैं कि अनिरुद्ध चौधरी की ज्यादा लहर नजर आ रही है और मजबूत ज्यादा है, आपको क्या लग रहा है? जी मेरे को तो ये लग रहा है बीजेपी आनी चाहिए, बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया काम कराए हैं, नौकरी दी है बिना खर्ची पर्ची के। बढ़िया क्या, सबसे बढ़िया नौकरी देना ही है? हाँ, सबसे बढ़िया, क्योंकि युवा है तो नौकरी देना सबसे बढ़िया लग रहा है हमको, तो और हमको क्या चाहिए। अच्छा, तो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देने की बात बीजेपी करती है, कांग्रेस राज में पैसे चलते थे, खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी, बिना सिफारिश की नौकरी मिलती नहीं थी, तो आप कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सच है? बिल्कुल जी, हमने तो नू देखा कि हमने पढ़ाई करी और नौकरी मिली, हमने तो पहला तो इतने ना तो नॉलेज थी, तो पहले तो किरण चौधरी कांग्रेस में ही थी, तो हमने तो कांग्रेस की सरकार में लेना देना जी, सार्वजनिक काम तो कर रखे, बस स्टैंड बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया। सारे तो ये पूछ रहे हैं कि किरण चौधरी जब कांग्रेस में थी तब भी खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी? तो जी मैं अपना नु बताऊं, वो शासन हमने नहीं देखा, हमने तो यो शासन देखा है, तो मेरी तरफ तो बताऊं मैं तो। अभी बीजेपी में चले गए किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, उसका नुकसान है या ठीक है, लोग खुश हैं? नहीं, उसके लिए तो नुकसान तो है, नुकसान है, जो उसका वोट बैंक था वो अब नहीं है। नहीं है तो लोग इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी में क्यों वो वोट मिलेगा, वो पार्टी को मिलेगा। अच्छा, बीजेपी का है? बीजेपी का, श्रुति चौधरी या किरण चौधरी के पर्सनल उस पर नहीं, उनका जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का था और उनका खुद का था, बीजेपी में आने से उनको नुकसान इस चीज का होगा, उनका वोटर था वो कटेगा, ये तो पार्टी का वोट है। बीजेपी का वोट तो भले ही मिल जाए लेकिन किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का पर्सनल वोट इस तरीके से नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। क्या लग रहा है इस बार, तो शाम में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? ये बार देखो जी, बीजेपी का माहौल है और बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं और यहाँ से जो कैंडिडेट है वो भी बहुत अच्छी है, श्रुति बहन जी बढ़िया है, खूब अच्छी है। बीजेपी में चले गए लोग नाराज तो नहीं है? कोई लोग नाराज नहीं है बीजेपी में, जैसे कि कांग्रेस में वहाँ कोई इनकी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए वो तो एक उड्डा पार्टी बन गई थी, एक गुलाबी गैंग बन गई थी, इसलिए लोग इससे नाराज हो गई। इसमें गैंग तो अभी भी है? हाँ, तो गुलाबी गैंग है तो गुलाबी गैंग हार जाएगी, हार जाएगी, वो तो गिरोह है जी, वो तो एक उड्डे के ऊपर है, कांग्रेस नहीं है, वो एक उड्डा है बस। हाँ, तो अभी भी लड़ाई चल रही है, कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला उड़ा साहब, लड़ाई तो अभी भी चल रही है। पिछले दिनों देखा कि कुमारी शैलजी पर क्या बयान आया है, उस सब लोगों में रोष है, इसलिए सतीश जात में इस बात का है, पुरानी नेता है शैलजा, कोई छोटी मोटी तो है नहीं, उड्डे से पहले की नेता है। तो आप कह रहे हैं ग्राउंड पे बीजेपी मजबूत है? ग्राउंड पे नहीं, लोगों के दिलों में है जी, मतलब दिलों में है बीजेपी जी। तो ऐसा तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की आंधी तूफान चल रहा है? कहीं नहीं तूफान जी, ये कहीं तूफान नहीं है, उनकी बस सोच समझी चाल है एक। अच्छा, हाँ, तो तीसरी बार आप कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी आराम से जी? सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जी, देखो जी, बिना खर्ची के ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, और विकास भी अच्छा करवाया है हर जगह, आप सड़कों पे चलो, हाईवे पे चलो, कहीं भी चलो आप, यहाँ देखो तो सामने देखो कितने काम करा रखे हैं आपको, झील है देखो, बड़े बड़े शहरों में झील नहीं, यहाँ एक हल्के में झील है, तहसील है, कोर्ट है, अच्छी कॉलेज है, बीजेपी मजबूत लग रही है। आपको क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ये, हम तो सामने गांव है, गांव के अंदर भी वो बैठते हैं, दो जज बैठते हैं, बताओ बढ़िया स्कूल बना दिया, कॉलेज अपना जवाने भी है, बीजेपी के सरकार से खुश हैं? खुश है कभी, तो बीजेपी फिर से चाहिए आप? हाँ, फिर चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो कह रहे कांग्रेस की सरकार 10 साल देखी, 10 साल बीजेपी की देखी, और लोग जब देखते हैं तोल के दोनों की सरकारों को, तो कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं उनको सिर्फ कांग्रेस बढ़िया लगती है? नहीं जी, हमको बीजेपी बढ़िया लगती है, बीजेपी बढ़िया जी, और विकास आप कह रहे जो करवाया है, काम कराया जी विकास। किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आके इस बार चुनाव मैदान में हैं, इसका फायदा होगा किरण चौधरी को या नुकसान होगा? काम कर रही जी, नहीं फायदा होगा जी, श्रुति को फायदा होगा, आराधी में मैडम के साथ में है जी, जीत जाएंगी श्रुति चौधरी? हाँ जी, खुली जीत जी, कई हजार वोटों से जी, इसके सामने 20,000+ भाई है ना, 20,000+ भाई होता है ना, भाई तो ऐसे आमने सामने तो खड़े होते हैं, हर परिवार में खड़े, तो चौटाला परिवार में भी खड़े हैं, ऐसे कोई नहीं मानता, यही से राजनीति करते हैं, 16 साल पहले ही है, नहीं आया बंसीलाल, ये 4 बार हार गए जी, इसके पिताजी तो 4 बार हार गए, ये भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी लड़की की शादी में इन्हें भजनलाल पे कन्यादान करवाया था, आपका दादा जीते हुए जीते, इसने भाई बहन नहीं लगे ये तो, और 1998 में महिंद्रा भी सुरेंद्र के खिलाफ लड़े था यार, में दो ही नेता हैं जी, चौधरी धर्मवीर जी और ये किरण चौधरी जी, इन्हीं के वोट हैं और लेना देना कुछ नहीं, ये वही हंड आपका टाइम पास कर दे, पका ही नहीं इनमें,
हाँ उकड़ूर फूक। क्या लग रहा है, क्या फैसला करने जा रही है तो शाम की जनता? तो शाम की जनता तो जी अब की बार भाई अनुरूप चौधरी के साथ है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि ये है एक तो मिलनसार नेता है जी, एक दूसरी चीज है ये चौधरी मिलनसार नहीं है। नहीं, श्रुति चौधरी का व्यवहार अच्छा नहीं है जी, नहीं है। उसके साथ बिचौलियों क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ बिचौलियों की जनसंख्या ज्यादा है। अच्छा। और यहाँ पर जनता जाती है सीधा अपना संपर्क करना। अच्छा। हाँ, ये भाई साहब के साथ कोई बिचौलिया नहीं है, जो भी जाता है उसको परिवार की तरह रखते हैं। तो इसलिए युवा बेरोजगार हैं और जो किसान हैं, युवाओं को तो मेरिट पे नौकरी बीजेपी कह रही है हमने दी है बिना पर्ची खर्ची के दे दी। ये है ना एक झूठा जो घोसला है, फौजियों की भी 4 साल की कर दी, वो किसी मेल के नहीं, गैंगस्टर बनेंगे, चोरी करेंगे, 4 साल के बाद क्या करेंगे, ये चीज बताओ। किसान है, किसान है, किसान को कुछ नहीं मिला। 10 साल के अंदर कोई खोरा को लग गया तो शाम के अंदर। अच्छा, हर जगह में भर बच्चे लगे, गरीब के गरीब बच्चे, विपक्ष में बैठे हो, बदला तार रख क्या हमने। किसान, अगर मैं किसान हूँ, हमारे परिवार में कोई नौकरी नहीं है, अब तक ये हरियाणा आजाद हो ये पाँच से भी कोई, अब का 7-10 साल से जितना मुआवजा किसानों में बटे है ना, इसी 70 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, कभी 15 रुपये दे दिए किसानों के लिए। बीजेपी बहुत अच्छा काम किया, मैं किसान हूँ और किसान नेता भी हूँ। ये किसान नेता हैं, तो इनसे नु पूछो, सुनो, तो आज से 1 महीना पहले ये धरना लगाई क्यों बैठे थे? किसान है तो एमएसपी की मांग थी हमारी, वो मैडम ने बीजेपी में आती हुई 24 फसलों पर एमएसपी देने का वो पूरा कर दिया, उसके लिए सब ठीक हो गया। अब बताता हूँ जी, ये भोली डोली कौम मानी जा तो शाम की जनता, और असल में बीजेपी हरियाणा की राजनीति की नब्ज नहीं पकड़ पाई, क्योंकि इसने हमेशा तोड़ फोड़ की, बांटने की राजनीति करी, और हरियाणा एक भाईचारे की मिसाल रहा हमेशा से, और लोग बटे नहीं। अब की बार इसका जवाब है ना बटन से देंगे। रही बात बच की नौकरियों वाली, ये चीजें नौकरियों में ठीक है, नौकरियां दी हैं हम, उसके कारण पिछली बार 40 सीटें दे दी। इस सेशन में, इस टेनूर में जो 2019 से 2024 का टेनूर था, इसमें नौकरियां दिए तो हमें बताए कोई? पूरी तरह से युवा गुमराह कर रखे सीईटी के नाम पे, सीईटी पेपर ले लिया, बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा एलिजिबिलिटी टेस्ट था, ये मेरिट टेस्ट था। उसके बाद बांट दिए कैटेगरियों में, जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को ये नहीं पता तू किस कैटेगरी में, तू किस पोस्ट पे जा रहा है। दूसरी बात, अभी जो साथी बोल रहे थे कि तो सामने जेल बन गई, कोर्ट बन गया, ये बन गया, ये सारे कांग्रेस का कार्यकाल में बन रहे हैं जी, बीजेपी के कार्यकाल में अडखोरा को लग रहा जी। तीसरी बात आती है रोडों की, रोडों की जो प्लानिंग है हम उसके लिए नितिन गडकरी जी का धन्यवाद अदा करते हैं। ये सेंटर की पॉलिसी है ना कि स्टेट की, कोई लेना देना नहीं हरियाणा का, क्या लेना देना जी। मैं बताता हूँ जी हरियाणा में क्या कर रहा है, पर्ची खर्ची के नाम पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करके इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा, इतना पैसा भर्ती को सिस्टमाइज तरीके से करके युवाओं को पे करने का कर देते। रही बात अभी बता रहे थे भाई साहब कि किसानों को 24 फसलों पे एमएसपी दे दिया, कहां बिल पारित करा है, ढकोसला है लास्ट में आके, बताओ कहां बिल। अगर यही करना था तो किसानों के साथ में वाजियाती क्यों करी, किसानों की सुनवाई क्यों नहीं करी? हरियाणा में घोषणा पत्र में देने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी ने डाल दिया घोषणा पत्र में, उससे कोई फायदा नहीं। घोषणा पत्र कानून में देने से होता तो घोषणा पत्र तो बीजेपी का इससे पहले भी रहा है जी, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जितने भ्रष्टाचारी उनको भीतर करेंगे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ये सारी चीजें थी। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करेंगे, ये सारी चीजें थी कि नहीं थी? और मोदी जी यहाँ आते थे तो 3 चीजें बोलते थे हरियाणा में, अब की बार बोलने को मुद्दा नहीं बचा हुआ। 3 चीजें, किसानों पे, पहलवानों पे और जवानों पे। किसान रगड़े, पहलवान रगड़े और जवान अग्निवीर बना दिए, अग्निवीर की गारंटी सैनी साहब दे हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी सैनी साहब दे रहे। अरे गारंटी देनी क्यों दी, जैसे चले आ रहे थे वैसे क्यों नहीं रहने दिए? हर 10वां जवान हरियाणा का है। आप कह रहे हो कि जो अग्निवीर में ये रिजर्वेशन दे रहे नौकरियों में, तो उसका कोई फायदा नहीं है? नौकरियों में रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं थी जी, जब ऑलरेडी डिफेंडेड थे हम युवा है जी, हमसे पूछो, हमारे जो चाचे ताऊ हैं बरगला दिए जाऊ है। दूसरी बात आती है लोकल, तो शाम की बात करी जाए, किरण मैडम किरण चौधरी जी, उन्होंने राजनीति कैसी करी ये सबको पता है, आजू बाजू वाला सबको हराने का काम किया है। अब बात आ गई अनिरुद्ध जी भाई साहब यहाँ आगे तो शाम में आगे, कभी तो इलेक्शन पहली बार लड़ेगा बंदा कहीं से, तो मैं भी कल को लड़ना चाहूँ तो कहीं से तो लड़ूंगा, क्या मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन ये आएगा कि ये 10 साल कहाँ था, ये 10 साल का था, ये आएगा क्या? एक बात बताओ। हाँ जी बोलो। अनिरुद्ध के पक्के समर्थक हो क्या? नो, किसी एक का भी समर्थक नहीं हूँ, नॉन पॉलिटिशियन बनता हूँ, बिल्कुल से गैर राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूँ, किसान का बेटा हूँ जी, प्योरली जवान का पोता हूँ। दूसरी बात ओपीएस की बात,
सुनो सुनो, मैं वही बताऊंगा जवाब दूंगा ओपीएस की। मेरी कार्ड दिखाता हूँ भाई साहब को, एक मिनट मेरी सुनो जी। ये भाई मेरे को जानता है, हम अपने बाबा देवघर की उसमें खड़े हैं, सुनो ठीक है। मैं भी रियल बताऊंगा, ये भाई साहब हमारे किसान नेता बहुत अच्छे हैं। हरियाणा का तो एक मिनट मेरी बात भी सुनिए, हरियाणा का भाईचारा प्रेम प्यार सबसे ऊपर है, हम सारे प्यार से बात करेंगे, आराम से सबकी बात सुनेंगे, प्यार से। ये भाई साहब किसान नेता थे, आज से एक महीना पहले ये सब जानते हैं। ये रोड पे बैठे थे उस टाइम तो किसान थे, जब तक मैडम कांग्रेस में थी जब तक तो ये किसान थे, और अब ये ना सुनो, ये बीजेपी में आते ही ये किसान हो गए, किसान विरोधी नहीं हुए। मेरी सुनो, इनका क्या था कि यहाँ पर लोगों को बलगाया जाए, अपना चंदा इकट्ठा, ये सब मैडम का ढकोसला था, कुछ नहीं था। अगर ये किसान नेता हैं तो आज भी किसान की सहायता करो, क्या दे दिया किसानों को, दे क्या दिया? बाद में करिए बात, फिर आपकी उठ के चले गए। कल मारे बालना का चाचा होगा था, मेरा बालना रोक रखा 2 साल हो गए, आप फिर मैं मौका भी दिखाऊंगा, फिर मैंने धमका दिया, मेरा मेरा किस पर पानी का भरा गुड्डा है, हम लेकर नहीं छा, आप मैडम से एक बात पूछना जी, अब वो किसान कंगना नौरथ कह रही है कि भाई तीनों दुर्वा बारह लिखा है, मैडम उसके पक्ष में है विपक्ष में, एक ही बात चाहिए, सीधा सीधा साफ स्वभाव। एक बात मेरा सुनो जी, मैडम क्या क्या है बता, मैं बताऊंगा। मैडम किरण चौधरी से ये पूछना, कंगना रनौत कह रही है तीनों काले कानून वापसी लाओ, कल की स्टेटमेंट है तो उसका मैडम पक्ष में है या विपक्ष में है, कौन करे है ये बात? और वो नुवली हमारा निजी राय है या उसने फेर डाली है, वो नुवला पार्टी का कोई मैटर नहीं है, जमीन हमारी निजी राय है। और अगर ठीक है काफी टाइम हो गया, पहली बार ऐसी सरकार मिली है जिसमें किसान पीटे, खिलाड़ी पीटे, कर्मचारी पीटे और सरपंच पीटे, कोई फर्क ऐसे। अच्छा एक बात सुनियो जी, एक बात और होगी जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना भाई, पिटा भाई पिटा, मैं पिटा कोई पिटा नहीं, हमारे अंदर दोनों में फाड़ की जा रही है कि ये तो एंटी बीजेपी है, ये तो देश विरोधी है, मतलब इनकी पॉलिसीज का विरोध कर दिया देश के विरोध। दूसरी बात जी, एक मिनट है वो भी देश का गद्दार हो, देश का अग्निवीर के लिए बोल रहे हैं कि सबको नौकरी देंगे, अगर वो अग्निवीर को हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी देंगे तो और लड़के कैसे लगेंगे जी, और लड़के लगेंगे कैसे? एक दुख है ना, इन दोले कुर्ते लगा, ये बीच में तटाई दी बीजेपी ने, तो ये घोड़ते घुड़ते कूद मारे जाट, जो जाट बोलता ना वो, और निचली जात सुख में है इस बीजेपी सरकार में, कुछ भी और कुछ नहीं है, मैं भी जाट हूँ, जात पुत की और मैं चमार हूँ जी, ये आप कर रहे हैं। किरण चौधरी ने इतना विकास कर दिया, ये विकास कहीं नहीं हुआ, पूरे इंडिया में तो शाम गांव है जहाँ तहसील भी है और 2 जज बैठते हैं, पूरे इंडिया में कहीं ऐसा नहीं है। अगर तुसाम के लोगों को विकास चाहिए तो किरण चौधरी को और सुरुत्री चौधरी को यहाँ के लोग जिताएंगे। आप यहाँ खड़े हो, ये अरावली क्षेत्र है, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ नहीं बनाई हो, चंडीगढ़ वाली झील यहाँ तक है, और क्या चाहिए तुसाम के लोगों को इससे ज्यादा? गलती है जी, वो मैडम किरण चौधरी ने बनवाया, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बनवाया जी, वो कैबिनेट मिनिस्टर थी तो यहाँ काम हुआ, 10 साल एमएलए रही, चवन्नी लगाई हो तो बताओ, इव के फेर बना दे, फेर विपक्ष में रही। एक बात होती है जी, किसी भी परिवार के लिए मेन मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा होता है जी, पहले प्रदेश में नशा ना हो, प्रदेश में गुंडागर्दी ना हो, रोजगार तीसरा मुद्दा है जी, कोई मानता हो तो। अगर जिस परिवार में नशा आ गया और गुंडागर्दी आ गई ना, रोजगार जी बेसिक से रहो जी। दूसरी बात रोजगार की बात मैंने अभी बताई है, रोजगार 2019 से 24 में दिया हो तो बताए, आप कह रहे 14 से 19 में ठीक था, 19 में ठीक था, 24 में खराब, 19 में दे दी 40 सीटें, 46 से सही तो कटाई दी, सही तो कटाई दी, कांग्रेस सरकार थी जी, दे होया था उसका बाद में कांग्रेस सरकार में हो रहा है। और खट्टर साहब, आसाम का विकास अगर होगा ना तो मैडम किरण चौधरी कर सका, और किसी बस की बात कौन सा कितना जोर लगा लिया मैडम। हाँ हरियाणा में 90 विधानसभा है जी, 90 एमएलए चुना जाए, विकास वही होता है जहाँ कैबिनेट का रैंक होता है जी, हमने ऊपर लिख दी कौन चंडीगढ़ है, सरकार किसकी आ रही है हरियाणा में? सरकार कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस की आ रही है तो कांग्रेस का ही हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जी। उससे एक बात और पूछ लेना जी,
जो यहाँ बीजेपी के वोट मांगते हैं। अगर मान लो खुदा ईसा तो होगा कौन ही भाई बीजेपी आ जाए, जब फिर भी बुंदड़ी बनेगी तो जेपी दलाल कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, श्रुति चौधरी बनेगी। आप एक बात पूछ लीजिए, एमएलए तो आती है 10 साल, करे क्यों उसने? आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? आराम से रिलैक्स होके बात करो। प्योर तो शाम की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। किरण चौधरी ने जब बीजेपी ज्वाइन किया तो उसके पास पेट वोटर्स थे चौधरी बंसीलाल जी के, जो वोटर्स बटे हैं, हम 50-50 भी कह सकते हैं, 60-40 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा बंदा ने जिसको बेलहजे में बोल रहे हैं, वो खुद बंदा बड़ा मर्यादित तरीके से इलेक्शन लड़ रहा है, वो खुद ये कहता है कि वो मेरी चाची है, वो मेरी बहन है, मैं मर्यादा में रह के इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ूंगा ना। उसके वर्कर गलत स्टेटमेंट दे रहे, जबकि किरण चौधरी के वर्कर, मैडम किरण चौधरी के वर्कर भी गलत स्टेटमेंट देते हैं उसके बारे में, अनाप शनाप बोलते। दूसरी बात, उसके बाद आगे बीजेपी के वोटर्स, बीजेपी के फिर से पूछूंगी, पक्का अनिरुद्ध के सपोर्टर तो नहीं है? देखो मैम, अगर मैं सपोर्टर हूँ ना, खुल के देने लग रहा हूँ जी, कदे भी किसे टाइम भी, 2014 में मोदी का मेरे पास वॉलपेपर पे, मेरी व्हाट्सएप डीपी पे, मैंने टी शर्ट पे मोदी लगवा रखा था, सच्चाई बता रहा हूँ जी। जो इस वेव में बह के हमने वोटिंग की थी मोदी जी को, सेंटर में जो सर्विसेज होती थी ना, ये जानते नहीं जी हमारे किसान लोग हैं, इनको ये पता नहीं। सेंटर में हर साल एसएससी की भर्ती आती थी, जिसमें सीएचएसएल, सीजीएल और इसकी सीएपीएफ की, जिसमें सारी पैरामिलिट्रीज फोर्सेज की भर्तियां होती थी। इन्हें पैरामिलिट्री तो छोड़ो जी, मिलिट्री खत्म कर दीजिए, ना रेलवे की भर्ती आती है, ना सीजीएल की भर्ती। हम जैसे युवा ना, जैसे युवा से मिलके बड़ा अच्छा लगा, जो बहुत जागरूक है और जो समझता है कि उसके लिए क्या है। हम एंटी बीजेपी वोटिंग नहीं करना चाहते जी, हम चाहते हैं बदलाव होना, मुद्दों पे आप काम करो। हां, मुद्दों पे काम होना, कोई सवाल पूछ रहे हैं जी? आप क्यों हाइपर हो रहे हैं? आप शांत। पेपर था भारत में पहली बार ऐसा हो तो नीट का पेपर लीक हुआ हो, नहीं भारत में पेपर लीक नहीं हुआ तो बिना खर्चे बहुत ज्यादा गर्मा हो गया। इन्होंने अगर 10 स्कूल खोल ले आने के बाद सरकारी, बंद करने का काम कर, पीएमसी और सीबीसी के नाम। ठीक है, ये हमारे जो दलित साथी है जो साथ हो रहे, इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ये धीरे धीरे पीएमसी और सीबी उस मॉडल सेंस करते के नाम पे सीबीसी को देते रहेंगे तो एक सौ चौतीस एक नियम है जी, जिसके तहत है ना, ये प्राइवेट में अगर सरकारी स्कूल से बच्चा जाता है ना, उसकी फीस सरकार देती है, धीरे धीरे बच्चों को तोड़ देंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, बाद में मजदूरी ही बचेगी जी, कैसे भी पे करेंगे, समझने की बात। बिल्कुल सुनेंगे जी, बिल्कुल सुनेंगे। जो गुड़िया जो उठ रही है ना, ये एक ही परिवार के हैं, या जो गुड़िया जो यहाँ वादा करी, आप श्रुति चौधरी की बात कर रहे हैं? चौधरी को बनेगी, वो ही पानी पिलाएगी देश को हरियाणा में। भिवानी तो साहब मलके में, और किसी बस की बात नहीं, श्रुति ही दमदार। हाँ, दमदार मैं करता हूँ, करेंगे करेंगे कर, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? क्वेश्चन तो यही है एकदम, ऐसी बढ़िया है, इसी सरकार ना आई ना गाँव है, बहुत बढ़िया है, बस यही के पक्ष में बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है बीजेपी। कोई हमने तो मोदी को वोट देने तो यहाँ कैंडिडेट कोई भी बस अनुरोध चौधरी यही भाई साहब अनुरोध चौधरी आप देखेंगे जबरदस्त लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जबरदस्त लोगों का यहाँ पर चुनावों की तैयारी है, आप देख रहे हैं कितने भयंकर तरीके से आपस में फाइट कर रहे हैं, अपने तमाम मुद्दों को कितनी बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, और एक एक बात पर, एक एक मुद्दे पर खुलकर अपनी राय जो है वो हमारे साथ तो शाम के लोगों ने रखने का काम किया। जबरदस्त बहस और जबरदस्त अवेयरनेस तमाम लोगों में यहाँ पर देखने को मिली। भले ही किरण चौधरी कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में चली गई हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि बढ़िया हुआ और बीजेपी ही विकास कर सकती है, लेकिन कुछ लगातार कांग्रेस की पैरवी भी कर रहे हैं, और मुकाबला वाकई में बेहद कड़ा और बेहद दिलचस्प है। भाई बहन के इस चुनावी समीकरण में आगे कौन निकल जाएगा और कौन पास होगा, कि वाकई में कह पाना बहुत ही जल्दबाजी भी होगा, साथ ही साथ बहुत मुश्किल भी। ये सिर्फ और सिर्फ तो शाम की जनता ही जानेगी, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम होगा कि आखिर इतनी जबरदस्त जो बहस आप देख रहे हैं, इतनी जबरदस्त टक्कर की तरफ इशारा कर रही है, और इस टक्कर में जीतेगा कौन, आगे कौन निकल जाएगा, ये 8 तारीख को मालूम होगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ तो शाम के सफर में इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।